हेलो गई राकेश आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बहुत प्यार से होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सोने वाला जितिया निकालूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आज आए थे वो जितिया गूंथने के लिए क्योंकि उसको ना मतलब हर साल गुथवाया जाता है जीती आने के पहले उसके बाद फिर पहनते रही है उसके बाद पूजा हो जाती है तब पहनते हैं तो वही आज घूमने आए थे चलो जाओ पीछे जाओ खेलो अपने टॉयस के साथ वो बोल रहा है लाइक करें सब्सक्राइब करें है ना हाँ तो, ना, तो ना। जब बाबू बोल रहा है तो जरूर कर दे चलो जाओ खेलो तो वही मैंने सोचा कि निकला हुए है तो उसको दिखाते हैं आप लोगों को तो ये रहा मेरा जितिया इसमें आप ये दो ये हाफ मून की तरह जो डिजाइन है ये है मतलब जितने बच्चे होते हैं ना वो उनके अकॉर्डिंग होते हैं तो ये इसमें दो बना है ना तो वो मेरे दो बच्चे हैं तो दो बना हुआ है बाकी लोग अलग अलग भी बना के पहनते हैं मतलब एक बच्चे का एक मतलब ऐसे जितने बच्चे हैं उतने ऐसे पता है इसमें भी ना मुझे मतलब बहुत वो लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए यार उस टाइम बाबू परेशान करने लगा था तो फिर उन लोगों में लग गई फिर तो घर वर साफ क्या किया अब बजरे साढ़े चार अभी तक ये आए नहीं है और छोटे वाले को लेके गई अरुन्धती बड़ा वाला गया है बाहर तो हाँ मैं ये बोल रही थी कि जैसे जितिया में ना अभी भी होता है पहले तो ऐसा था ही कि मतलब लोग बोलते थे ऐसे कि लड़का होगा तो सोने का जितिया लड़की होगी तो चांदी का जितिया इस टाइप से लेकिन अभी भी है ये चीज़ मुझे लगा था मतलब पहले ही होता था अभी क्योंकि यहीं पे मैं अपने ससुराल मतलब यहीं पे मैं देख रही हूँ कि लड़के हैं तो उनका जितिया पहनेंगे लड़की है तो उनके नाम का जितिया नहीं पहनेंगे भाई वो भी तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ ना बहुत ज्यादा लगती है कि आखिर वो भी तो बच्चे ही हैं ना भाई ऐसा थोड़ी कि लड़के हैं तो वो कुछ स्पेशल है या लड़के हैं तो वो उनमें कोई अलग बात है उनके लिए हम व्रत करेंगे उनकी लंबी उम्र क्या लड़कियों की लंबी उम्र के लिए कोई कुछ नहीं लड़कियां कुछ नहीं उनका कोई वैल्यू नहीं है मुझे भी ऐसा लगता था मतलब बाबू जब होने वाला था ना तो मुझे मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही फर्स्ट सेकंड टाइम मतलब मेरे को यही लगता था ना मेरे को लड़की का बड़ा शौक था तो मेरे को ये लगता था ना यहाँ पे ऐसे होता है कि लड़की होगी तो बरी वगैरह होगा फिर बैंड बाजा ये सब मतलब गाने वाने बजेंगे मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और लड़की होगी ना तो वैसे गीत वीत नहीं गाया जाता है और मतलब उस टाइप से नहीं पतन साई जलेबी या कुछ और कुछ और किया जाता है मतलब वो तो अच्छे से नहीं और लड़का होता तो काफ़ी धूमधाम से किया जाता है ऐसा तो मुझे ये लगता था कि कहीं मेरी बेटी हो जाएगी मतलब मुझे मैं इनसे हमेशा बोलती थी अगर हमारी बेटी भी होगी ना तो जितना लड़के में किया जाता उससे ज्यादा मैं करवाऊंगी <laughs> मतलब मुझे ये 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 लगता था कि कहीं, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो 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 उसमें ये तो, उसको उसको पता चलेगा तो उसको कितना खराब लगेगा कितना बुरा लगेगा लड़के लड़कियां अलग थोड़े होते यार लोगों की बस मेंटेलिटी मेरे को समझ में अभी भी नहीं आती मैं खुद दो बहन हूँ मेरी मेरा कोई भाई नहीं है तो और भाई होता तो कौन सा क्या उखाड़ लेता वो लोग तो और लड़के तो और बदमाश होते हैं क्या ही बोलू यार, बस, ये बस यही बात का बुरा लगता है बाकी मुझे बहुत ज्यादा था मैं न, मैं ना मतलब मेरे को यही हमेशा यही लगता था कि मेरे को लड़की होगी लड़की होगी लड़की होगी और यहाँ तक कि ना मैंने सपने में भी मतलब बाबू जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में साथ, सा, एट या नाइन्थ मंथ चल रहा था तो उन्हें सपने में ऐसा देखा कि मतलब मेरी डिलीवरी हो गई और ना मुझे लड़का हुआ मुझे जब डॉक्टर बता रहे कि लड़का हुआ तो मैं ना सपने में ही मैं उदास हो रही हूँ कि मैंने तो सोचा था लड़की होगी बट मुझे लड़का हो गया चलो कोई बात नहीं भगवान ने जो भी दिया वो ठीक है और उसके बाद हुआ भी लड़का ही सेकेंड uh, वाले बाबू के टाइम में मेरे को मतलब बहुत वो जब रोया ना जब हुआ और रोया तो मेरे को लगा लड़की है बट डॉक्टर ने बताया कि लड़का है तो उस टाइम भी लगा ओ चलो फिर ठीक है चलो जो भगवान ने दिया वो तो ठीक ही है बाकी मुझे समझ में नहीं आता क्यों अभी भी करते हैं ऐसे यार अभी भी हमारे ही घर में ऐसे है लड़कों का जितिया है लड़कियों का जितिया नहीं है और बहुत सारी मेरी दादी में हम लोग भी दो बहन है ना तो मेरी दादी ने मतलब मेरी दी जब हुई थी तो उन्होंने बोला ना कि चांदी का जितिया ले लो तो मम्मी बोली मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी ने बोला उनको कि नहीं मैं पहनूंगी तो सोने का ही पहनूंगी चांदी का नहीं पहनूंगी चाहे लड़का हो इस सच मैं पहनूंगी ही नहीं तो फिर जाके मेरी मम्मी का सोना का जितिया ही बना तो हमारे घर में कभी ऐसा कंपेरिजन नहीं हुआ लड़के या लड़की को लेके और बाकी अभी तो यहाँ हमारे घर में ऐसा कोई किसी को भी लड़की है ही नहीं मेरी बड़ी वाली जेठानी को भी लड़का है फिर मेरी मंजरी वाली को भी तीन बेटे ही हैं मेरे भी दो बेटे हैं अभी छोटी वाली को हुआ नहीं है आगे देखिए बट मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है मतलब लड़के हैं तो क्या वो सोने के ईटे थोड़े लेके आ रहे हैं यार कि लड़के हैं तो उनको स्पेशल वो ट्रीटमेंट मिलेगा उनके लिए स्पेशल चीजें होंगी और लड़कियां हैं तो नहीं होंगी ये गलत बात है बस ये अंतर लगता है आजकल लड़के कौन सा पास में रहते हैं लड़की कौन सा करते हैं आजकल जितना लड़कियां नहीं कर देंगे ना आप भी अच्छे से पढ़ा दो लिखा दो जितना लड़के नहीं करेंगे उनसे ज्यादा लड़कियां करेंगी बस ये चीज लगता है मेरे मेरे को को थोड़ा थोड़ा सा मतलब हट हुआ तब, मतलब मतलब हुआ हुआ था था तब तब एहसास जब मैं मतलब शादी के टाइम थोड़ा सा लगता है जब दूर जाते तो बट अब लगता है कि ऐसे थोड़ी है लड़के भी तो दूर ही रहते हैं लड़के कौन सा माँ बाप के पास में रहते हैं उनकी भी पढ़ाई लिखाई बाहर हो जाती है फिर जॉब करने बाहर ही चले जाते हैं तो कौन सा वो माँ बाप के पास में रह सकते वो भी नहीं रहते ना लड़के रहती है तो दोनों में तो सिमिलर ही है ना बस आप लड़कियों को वैसे करो ही मत आप उनको बस अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ तो लड़के लड़कियों में अंतर क्या है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता आजकल लड़की के नाम से लोग उदास हो जाते हैं रोने लगते हैं क्यों इतना मुझे ये नहीं समझ में आता और पता है वही आगे चल के वही लड़के होते हैं ना जो मां-बाप को पूछते नहीं है जो ज्यादा लड़का लड़का करते हैं ना जिनको हर चीज में बेटा होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए वही आगे चल कर माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछते मैं मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है बहुत सारी जगहों पे देखा है जो ज्यादा करते हैं ना बस क्या ही बोलू नहीं होना चाहिए ऐसे मुझे बहुत बहुत गलत लगता है जब भी मेरे सामने मतलब कोई बोलता था ना कि लड़का होगा लड़का होगा तो मेरे मन में लगता था भाई लड़की के लिए भी बोल दो लड़की होगी तो क्या बुरा हो जाएगा बस क्या ही बोला जाए यार लोगों की मेंटालिटी अभी भी नहीं बदली है बहुत खराब लगता है ये सारी चीजें सुन के ये सारी चीजें देख के और आजकल इतनी सारी चीजें हो रही है ना तो वो सब देख के और थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या ही है बाकी तो और सब बढ़िया ही है, है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ज्ञान वाला छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों भी आप लोग भी मेरे इस बात से मतलब एग्री करते होंगे तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही करी कि इस चीज़ को लेके एक कमेंट ज़रूर डालें ताकि मुझे भी पता लगे आप लोग में से कितने लोग इस चीज़ को ले सपोर्ट में आए कि लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए अगर आपकी लड़कियां हैं तो आप उसको ही पढ़ाओ लिखाओ और अच्छे से खूब आगे बढ़ाओ लड़के हैं वो कोई आपके लिए झंडे नहीं गाड़ देंगे वो आपको कोई सोने का बेड पे नहीं सुला देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है अब लोग बोलेंगे भाई इसका बेटा है इसलिए इतना ये बोल रही है बट ऐसा नहीं है यार सच में मैं दिल से बोल रही हूं कि लड़के लड़के को कम मत समझो किसी चीज में कम नहीं है बस पढ़ाओ लिखाओ अच्छे से रखो वो भी आपके लिए सब कुछ कर देंगी जो लड़के नहीं करते उनसे ज्यादा आपके लिए कर देगी जितना लड़कों को फिक्र नहीं होगी ना आपकी उतने ज़्यादा लड़कियों को होती है उतने ज़्यादा वो अपने मम्मी पापा की केयर करती है तो प्लीज़ लड़कियों को समझिए लड़कियों को आगे बढ़ाइए जैसे लड़कियाँ लड़कियों को जीने दीजिए बस तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें जैसे शेयर करें नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए बाय फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और मेरी लड़की वाली बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करें एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें लिए बाय